गुड मॉर्निंग बच्चों, हमने अभी तक मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया था। इसका डिटेल में तुम लोगों को नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है वो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, टेस्टिस, ओवरी, एस्ट्रस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सारा चीजें सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हो, ठीक है। फिर भी नोट्स में अब यहाँ नहीं समझा रही हूँ क्योंकि मैंने ही पढ़ाया हुआ है उस समय भी, तो अब यहाँ पर मैं नोट्स तुम लोगों को भले ही भेज दूंगी, ठीक है। तो ये वाले पार्ट के नोट्स तुम लोगों तक पहुँच जाएंगे क्योंकि सारा चीज़ हमने सेकंड ईयर में पढ़ी हुई है। अभी रिपीट कराने का इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हारे पास इसमें बहुत लेंदी टॉपिक्स आगे भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आज हम स्टार्ट करेंगे, हमने गोनेड्स पढ़ लिए थे। गोनेड्स मतलब जनद, टेस्टिस और ओवरी। टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में टेस्टिस क्या होती है, कैसे उसके स्ट्रक्चर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी क्या होती है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है जो टेस्टिस और ओवरी गैमीट्स फॉर्म करते हैं। गैमीट्स मतलब स्पर्म और ओवा। तो इसमें हमें स्पर्म और ओवा का स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, ठीक है। और गैमेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवा फॉर्मेशन की प्रोसेस ओजेनेसिस। तो पहले हम इसमें गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। गैमेटोजेनेसिस मतलब युग्मक जनन। तो गैमेट्स कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस जो है ये क्या होगी, दो प्रकार की, देयर आर टू टाइप ऑफ गैमेटोजेनेसिस। नंबर वन स्पर्मेटोजेनेसिस जिसमें स्पर्म फॉर्म होते हैं, और ओजेनेसिस जिसमें ओवा फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब इसकी प्रोसेस क्या है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस से, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो क्या है, ये एक तरीके से इस प्रोसेस में हैप्लॉइड स्पर्म, बताया ना हमने, अगुणित जो स्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है, ओवा स्पर्म हैप्लॉइड होते हैं। तो हैप्लॉइड माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्मदर्शी से दिखने वाला फंक्शनल मेल गैमीट, जो मेल गैमीट फंक्शनल होता है मतलब उसमें एक फ्लैजेला होता है जिसके थ्रू वो मूव करता है, स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म। स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होते हैं किससे, डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, द्विगुणित स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्म मदर सेल कहते हैं। जैसे ओवा होंगे तो ओवा मदर सेल, ठीक है, और स्पर्म होंगे वो एग मदर सेल कहलाएगा। जो ओवा होंगे वो किससे बनेंगे, एग मदर सेल से, और स्पर्म जो होंगे वो स्पर्म मदर सेल से फॉर्म होंगे। तो इन स्पर्म मदर सेल को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ये स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होते हैं, अब अभी हम पढ़ेंगे तो इससे ये क्लियर हो जाएगा। तो एक तरीके से हम बिल्कुल इन ब्रीफिंग में अगर शॉर्ट में देखें व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, तो इन इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, हैप्लॉइड माइक्रोस्कोपिक एंड फंक्शनल मेल गैमीट स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म फ्रॉम डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। वो स्पर्मेटोगोनिया होते कहाँ है, प्रेजेंट इन टेस्टिस ऑफ मेल ऑर्गेनिज्म। ये जो डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया होंगे कहाँ, टेस्ट जो मेल ऑर्गेनिज्म होता है उसकी टेस्टिस में, ठीक है। ये जो प्रोसेस होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की, ये कंटिन्यूस और हम कह सकते हैं कंप्लीट प्रोसेस होती है, मतलब कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती। इस जितने जर्म सेल्स होते हैं हर एक से कंप्लीट स्पर्म बनते हैं। जैसे ओजेनेसिस जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या है, पोलर बॉडीज बनती हैं, एक ओवा बनता है, तो वहाँ पर वेस्टफुल मेथड है कि कई चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं, पर स्पर्मेटोजोआ है वो कंटिन्यूस। जैसे ओवा फॉर्मेशन तो वीक में एक बार, मंथ में एक बार हो रहा है, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूस होने वाली प्रोसेस है, इसलिए मिलियंस ऑफ स्पर्म फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो अब हम जब देखेंगे ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस, इससे पहले हमने क्लास में बताया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी कहाँ पर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, ठीक है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसमें होगी। इसमें क्या होता है, इसके अंदर की लाइनिंग क्या होती है, जर्म सेल,
ठीक है, या ये जो पूरी लाइनिंग होती है ये किससे बनती है, जर्मिनल एपिथीलियम, जननिक कोशिकाओं से। तो अंदर की लाइनिंग इसकी पूरी जर्मिनल एपिथीलियम या जननिक कोशिकाओं से बनती है, और बीच बीच में क्या होती हैं ये जननिक कोशिकाओं के, ये होती हैं नर्व सेल, सर्टोली सेल्स। तो जर्म सेल में स्पर्मेटोजोआ बने और नर्व सेल में जाते हैं, वहां पर ये जो सेल होती हैं इसको नरिशमेंट, पोषण देती हैं, और यहाँ पर जो इसकी ल्यूमेन होती है कैविटी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, वहां इन स्पर्म को लिबरेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो जितनी भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उनकी कैविटी में स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ आ जाते हैं। अभी ये इमैच्योर है, फिर एपिडिडाइमिस में जाएंगे जैसा बताया था। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होगी या स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस कहाँ होगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। ठीक है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस दो स्टेप्स में कंप्लीट होती है। एक में होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। जैसे हमें स्पर्म का स्ट्रक्चर पता है, स्पर्म कैसा होता है, अभी इसका डिटेल स्ट्रक्चर भी बताऊंगी इसके बाद। तो स्पर्म का स्ट्रक्चर जनरली इस शेप का होता है, ठीक है, मतलब भाले के आकार का होता है। तो ये जो स्पर्मेटिड, पहले सीधे स्पर्म जो होता है इस शेप में नहीं बनता, पहले जो स्पर्म होता है वो स्पर्मेटिड बनता है राउंड शेप का। ये फिर चेंज होता है स्पर्म में, इसमें चेंजेस होते हैं और वो एक मोटाइल स्पर्म में बदलता है। स्पर्मेटिड मोटाइल नहीं होता, वो चल अचल होता है। ठीक है, तो पहले तो स्पर्मेटिड बनेगा, तो दो प्रोसेस हो गई, दो स्टेजेस हो गई, एक में स्पर्मेटिड बन रहा है और दूसरे में स्पर्मेटिड स्पर्म में बदल रहा है, उस प्रोसेस को कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें क्या हो रहा है, जो स्पर्मेटिड है वो चेंज हो रहा है मोटाइल स्पर्म में, जो गोल स्ट्रक्चर है वो एक मोटाइल स्पर्म में चेंज हो रहा है। तो ये प्रोसेस कहलाती है स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। तो स्पर्मेटिड जो रहता है ये क्या होगा, इसकी तीन स्टेजेस रहती हैं, मल्टीप्लिकेटिव स्टेज, ग्रोथ फेज, मैच्यूरेशन फेज। ठीक है, यही फेजेस जो फेजेस हैं वही ऊजेनेसिस में भी रहती हैं। ठीक है, जब हम ऊजेनेसिस पढ़ेंगे तो वहां भी मैच्यूरेशन फेज, ग्रोथ फेज और मल्टीप्लिकेटिव फेज, ग्रोथ फेज, मैच्यूरेशन फेज, ये तीनों फेजेस वहां भी रहेंगी। वहां भी यहाँ स्पर्म मदर सेल है, वहां एग मदर सेल रहेगा। ठीक है, यहाँ स्पर्मेटोगोनिया है, वहां ओगोनिया रहेगा। तो काफी कुछ सेम है, प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, बट जो डिफरेंसेस हैं वो लेटर स्टेजेस में है। तो स्पर्मेटिड में पहली मल्टीप्लिकेटिव स्टेज। ठीक है, तो पहला जो है हम यहाँ डिटेल में पढ़ रहे हैं, जो पहली स्टेज है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड बनने की पहली स्टेज कौन सी थी, मल्टीप्लिकेटिव स्टेज, ये रही मल्टीप्लिकेटिव स्टेज। नाम से क्लियर है, मल्टीप्लिकेशन, गुणन अवस्था। तो इसमें क्या होगा, ये देखो ये एक जर्म सेल है। ठीक है, यहां पर जो जर्मिनल एपिथीलियम में बहुत सारी क्या होती हैं, जर्म सेल, जननिक कोशिकाएं। तो ये जो जननिक कोशिका है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो क्योंकि यहीं पर तो स्टार्टिंग होगी, तो ये जो जर्म सेल है ये क्या है, डिप्लॉइड है। तो ये जर्म सेल को कहते हैं प्रिमोर्डियल जर्म सेल, जहां से स्टार्टिंग हो रही है, और ये डिप्लॉइड प्राइमरी, या तो इसको कहते हैं, क्योंकि कैसे हमने बताई स्टार्टिंग में तो ये सेल डिप्लॉइड ही रहती हैं, फिर मियोसिस डिवीजन होता है तब ये रिडक्शनल डिवीजन आधे हो जाते हैं, 46 के हाफ क्रोमोजोम। तो पहले जहां से मल्टीप्लिकेटिव फेज स्टार्ट होगी वो जर्मिनल एपिथीलियम के जर्म सेल में ये, और मल्टीप्लिकेटिव फेज इसको हम कहेंगे जो जर्म सेल है वो होगी डिप्लॉइड या प्राइमरी प्रिमोर्डियल जर्म सेल। और ये होंगी कहाँ उपस्थित,
प्रेजेंट इन जर्मिनल एपिथीलियम ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसकी जर्मिनल एपिथीलियम में ये प्रेजेंट होती हैं डिप्लॉइड प्राइमरी प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स. इनमें क्या होता है, कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन हुआ, मतलब ये अपनी जैसी सेल्स बनाती हैं और ये होती हैं न्यूमरस डिप्लॉइड स्पर्म मदर सेल या स्पर्मेटोगोनिया. ये देखो माइटोसिस हुआ, दो दो से एक दो तीन चार, ये सिर्फ एक जर्म सेल में चल रहा है. तो माइटोसिस के द्वारा बहुत सारी डिप्लॉयड स्पर्म मदर सेल, इस स्पर्म मदर सेल को क्या कह रहे हैं हम, स्पर्मेटोगोनिया. ठीक है, तो कई डिप्लॉयड स्पर्म मदर सेल या स्पर्मेटोगोनिया ये फॉर्म हो गए. ठीक है, ये हो गई मल्टीप्लिकेटिव फेस, गुणन अवस्था. ठीक है, जिसमें स्पर्मेटोगोनिया बन रहे हैं जो डिप्लॉयड है. अब जो स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटोगोनिया है, इन स्पर्मेटोगोनिया में कुछ जो रहते हैं स्पर्म मदर सेल ये दो टाइप के हो जाएंगे, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया और टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया. ठीक है, तो कुछ जो होते हैं टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया इन्हें स्टेम सेल्स कहते हैं. स्टेम सेल्स मतलब जो कंटिन्यूअस डिवाइड करते रहते हैं. ठीक है, उनमें कंटिन्यूअस डिवीजन होता रहता है. और टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया जो होंगे वो नेक्स्ट स्टेज ग्रोथ फेज में आ जाते हैं. ठीक है, कुछ स्पर्मेटोगोनिया तो डिवाइड होते गए और स्पर्मेटोगोनिया बना रहे हैं, और कुछ जो होते हैं नेक्स्ट स्टेज में आ जाते हैं ग्रोथ फेज. ठीक है, अब ये जो ग्रोथ फेज है ये देखो इसमें नाम से क्लियर है, ग्रोथ वृद्धि होना. तो ग्रोथ फेज में डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये देखो यहां पर ये सिर्फ एक का ही स्पर्मेटोगोनिया का डेवलपमेंट बता रहे हैं. ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये देखो साइज में बढ़ गया और ये ग्रोथ फेज है, और इसको कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. अभी भी ये डिप्लॉयड है, ठीक है, अभी भी डिप्लॉयड है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ये जो ग्रोथ फेज होती है इसमें क्या होगा, जो क्योंकि अब क्या होना है, डिवीजन होना है. डिवीजन होना है मतलब क्या होगा कि उसमें जो सेल्स जो मटेरियल हैं वो डबल होंगे. तो इस समय जो सेल का साइज होता है वो डबल हो जाता है, डीएनए रिप्लिकेशन होता है, जो न्यूट्रिटिव मटेरियल है वो इकट्ठा हो जाता है. ठीक है, और इसमें क्या होगा, डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये फॉर्म हो गए. तो ग्रोथ फेज ये वाली हो गई, मैच्योरेशन फेज ऊपर हो गई. अब जब ग्रोथ फेज में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं जो कि डिप्लॉयड होते हैं, इनमें होगा मियोसिस वन. अब सेल डिवीजन जब पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, तो मियोसिस वन और मियोसिस टू होती है. तो पहले मियोसिस वन हुआ मैच्योरेशन फेज में, तो क्या बन गए, सेकेंडरी हैप्लॉयड. अब देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने वो हैप्लॉयड है, क्योंकि मियोसिस डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन है, तो क्रोमोसोम नंबर हाफ रह गए. तो मैच्योरेशन फेज जो होती है, मैच्योरेशन फेज ये वाली, इसमें होगा मियोसिस डिवीजन, मियोसिस अकर्स. तो डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस वन से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बदल जाती है. फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो किस में, मियोसिस टू से, ठीक है, टू हैप्लॉयड स्पर्मेटिड में बदल जाता है. तो ये देखो सेकेंडरी हैप्लॉयड स्पर्मेटोसाइट है, ये किस में हुआ, यहां पर मियोसिस टू हो गई. ठीक है, मियोसिस वन से सेकेंडरी हैप्लॉयड स्पर्मेटोसाइट बना और इससे मियोसिस टू से स्पर्मेटिड बन गए, ये हैप्लॉयड हैं और ये क्या कहलाएंगे, फोर, एक से दो बनेंगे. ठीक है, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो स्पर्मेटिड बने, तो यहाँ दो हैं तो चार बन गए. ठीक है, तो ये देखो ये यहां तक की जो फेज है ये स्पर्मेटिड ये बन गया. तीनों फेजेस हो गई, मैच्योरेशन, मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज, स्पर्मेटिड बन गए. अब जो स्पर्मेटिड हैं
उनमें चेंजेस होते हैं और वो एक मोटाइल स्पर्म में बदलते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये कहलाती है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या हो गई, जिसमें एक नॉन मोटाइल स्पर्म एक मोटाइल चलनशील स्पर्म में बदल जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि जो एक गोल संरचना है, राउंड स्ट्रक्चर है, वो कैसे एक भाले के समान, लैंसलेट के समान स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। तो कौन कौन सा ऑर्गन स्पर्मेटिड का स्पर्म में बदलता है और वो मोटाइल हो जाता है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।